ऊपर कर दे और ऊपर कर दे, बस और कर दे, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में हम सरप्राइज करेंगे फैमिली को विद न्यू थार। लास्ट व्लॉग में देखा होगा हमने अपनी थार पूरी चेंज करवा दी है, मतलब इसका लुक देखो बिल्कुल ही चेंज हो गया। ऊपर टेंट आ गया है और यहाँ से मतलब इस साइड से तो पूरी ही अलग लग रही है ये, और बाकी नीचे से भी इसके पूरा अंडर बॉडी किट लगी हुई है। और ये सिर्फ अभी तक मेरे को पता है, पूरी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता। तो थार को मैं कल लेके आया था दिल्ली से और मैं रात को 1 बजे पहुंचा था, तो अभी तक किसी ने भी नहीं देखी है, ये सिर्फ मेरे को पता है, तो पूरी फैमिली को दिखाएंगे। तो भाई सबसे पहला काम है इसको धुलवाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदी हुई, कल मैं दिल्ली से लाया था ना तो पूरी धूल ही धूल हो रही है इसमें, तो इसको पहले धुलवाते हैं, पहले चमकाते हैं इसको, फिर दिखाएंगे फैमिली को। और अंदर से भी 2-3 मॉडिफिकेशन कराई है, वो भी आपको दिखाऊंगा, पहले बार धुलवा लेते हैं उसके बाद दिखाऊंगा, पूरे अच्छे से आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है, तो मुझे अकेले ही धुलवानी पड़ेगी ना अभी। तो ये पहुंच गया हम वॉशिंग सेंटर पे, तो धुलवाते हैं। भाई मुझसे तो घुस जाती नीचे। जानते मुझे? तो गाइस अभी हमको यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले छोटे छोटे, और इसमें देखो ये आपको डिफरेंट क्यों लग रहा है, गैस कर सकते हो, मतलब रिलेट कर सकते हो आपकी ये डिफरेंट क्यों लग रहे हैं, मतलब इन्होंने ड्रेस क्यों नहीं डाली है, आप बताओ। इसका बर्थडे, हाँ, जिसका बर्थडे नहीं होता तो इस तरह से होता है ना, तो हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे स्कूल बस आ गई है, हेलो हेलो हेलो, बाय 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 बाय। जानते हो या ऐसी हाई कर रहे हो? जानते हो पक्का? तो थार अपनी धुल गई है मस्त, कैसी लग रही है? बहुत सही, मजा सही लग रही है, मस्त लग रही है। तो गाइस अब चमकी ना देखो मस्त एकदम, तो चलो अब इसको लेके चलते हैं हम, बाय बाय। चलो भाई थार को हम ले आए हैं फार्म हाउस पे, तो अभी गाइस हम थार को फार्म हाउस पे ले आए हैं और देखो क्या मस्त लग रही है, कैरावैन भी और थार भी। एडवेंचर के लिए 2 चीज हो गई हमारे पास, कैरावैन भी रेडी है और थार भी रेडी है। पूरी फैमिली को यहीं पे लेके आऊंगा मैं और यहीं पे दिखाऊंगा थार, मतलब यहाँ पे सही है ना, खोल के अच्छे टेंट वगैरह दिखा सकते हैं हम फार्म हाउस पे। तो फिलहाल घर पहुंच गए कुनाले, आज आपको मस्त चीज दिखाएंगे, आज आपको मस्त चीज दिखाएंगे। तो अभी पीयू सर कुनाले आ गए स्कूल से, तो थार रेडी हो गई है मस्त कुनाली। अच्छा थार रेडी हो गई है गाइस, 2:30 बज चुके हैं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी, तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं सीधा फार्म हाउस। तो खाने में बने फेवरेट कढ़ी चावल, अरे सिंपल ही खाते हैं सब, टेंशन मत लो, वो भी अभी सिंपल ही खाते हैं। तो चलो भाई खाना आ चुका है, तो अभी सभी खाना खा रहे हैं, इसके बाद चलते हैं। ये तो गाइस क्या खा रहा है ये, मतलब सूखी रोटी खा रहा है ये, अच्छे बोले कड़ी चावल बने हुए हैं फिर भी सूखी रोटी खा रहा है, तभी तो मोटा नहीं हो रहा, देखना कैसा हड्डी, तभी तो हड्डी है। तो फिलहाल चाय पीते हैं। क्या हुआ? तो पूरी फैमिली फॉर्च्यूनर बैठ गई है। तो फाइनली गाइस पहुंच गया फार्म हाउस, अब चलते हैं अंदर, रिवील होने वाली है न्यू थार। जल्दी खोलो, बड़े पैक साइड में नहीं रुकती। सबसे पहले कुनाली देख रहा है, ऊपर की छत कब लगाएंगे? ये देखो टेंट हमारा। कैसी लग रही है? ठीक है, अच्छी है। अभी खोल के दिखाता हूँ, नए घर की बताइए। बहुत मस्त लग रही है यार। सीढ़ी का है? सीढ़ी सीढ़ी इसी के अंदर है, इसके अंदर खोलूं? ऐसे नहीं खुलेगा, पहले इसके ऊपर चढ़ना है, फिर इसको दबाना है, इसको खोलना है नीचे वाले को। टेंट रिवील होने वाला फाइनली, हाँ ऊपर उठा, ऊपर उठा दे, ऊपर कर दे और ऊपर कर दे, बस और कर दे, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चढ़ जा चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, इसको निकालना है, हाँ इसको निकाल, इसे पीछे फेंको, ऐसा नहीं जमीन में लगना चाहिए ना, ऐसे ही करना है, देख यहाँ देख पाऊँ वो, देख ठीक है ठीक है, साइज में कैसा है, गद्दा है, गद्दा वद्दा सब है भाई इसमें, लाइट होगी इसके अंदर, लाइट भी है, हाँ इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसे बाहर बाहर खोल, इसमें स्टिक्स होंगे, आप देख। चलो हम चारों भाई चलते हैं, ये देखो गाइस कितना स्पेस है भाई, पीयूष के जैसे 6-7 लोग आ जाएंगे आराम से भाई। खिड़की भी है इसमें देखो, और ये हमेशा ये स्टिक जो है टेढ़ करके जाएगी ऐसे गाइस, ये देखो विंडो बन गई यहाँ पे, खुद लगाओ, इसमें 2 विंडो है, एक विंडो ये रही, एक ये हमने खोल दिया, अब इसे खोलते हैं। चलो खिड़की से बोनट दिख रहा है, बोनट पे साहिल खड़ा हो गया। तो अभी गाइस चारों भाई आ चुके हैं टेंट के अंदर, और देखो फिर भी कितना स्पेस है इसमें, 4 के बाद भी देखो कितना स्पेस खाली है भाई, अभी बहुत स्पेस खाली है इसमें, विंडो खोल दिया लेकिन यहाँ जाली लगी हुई है, तो ये जाली इधर भी जाली है, इधर भी जाली है, मतलब उधर भी, और ऊपर देखो ऊपर सनरूफ भी है इसमें, इसको भी खोल सकते हैं भाई, इसको खोल के भाई पहाड़ों में कितना मजा आएगा, जब बर्फ बर्फ में जाएंगे, लद्दाख वद्दाख जाएंगे ना, जैसे रात को मच्छर वगैरह होते हैं ना, लेकिन हमको हवा चाहिए, मच्छर से बचना है, तो उसके लिए जाली है यहाँ पे, जाली को हटा भी सकते हैं, जाली हट जाएगी, और ये देखो
जब आप चढ़ोगे ना यहाँ से ऊपर को, तो अपने शूज जो है आप इसके ऊपर चढ़ते हैं, दो तीन स्टेप आप चढ़े, आपने अपना शूज खोला और इसमें डाल दिया इस पॉकेट में। अच्छा, ये शूज के लिए है? शूज के लिए पॉकेट, ये दोनों पॉकेट जो है शूज के लिए। अच्छा, पॉकेट्स भी हैं? हाँ, ये तो मैंने अभी देखी। अगर बारिश भी होगी ना शूज आपका भीगेगा नहीं, ये पॉकेट शूज के लिए होती है। मम्मी और चाची हंसे जा रही है बस। मम्मी आओ ना ऊपर, आओ, अरे आओ ना ऊपर। गाइस मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम टेंट को यूज कर रहे हैं हम। जब पहाड़ों में जाएंगे ना तब मजा आएगा। अभी चारों भाई देखो क्या मस्त। अगर मान लो सामने पहाड़ों का व्यू हो, पूरे बर्फ के पहाड़ों, लद्दाख के पहाड़ों, तो कितना मजा आएगा। मतलब रात भर इसमें रहो, अपना मस्त खाना पीना बनाओ। अभी हमारा दूसरा घर है, मतलब यहाँ पे हमारे पास खाने बनाने की चूल्हा भी है। अगर बड़ी मियां हमें घर से निकाल देते हो, एक बैकअप है हमारे पास। आराम से यहाँ सो जाओ, रात को भी बाहर सो सकते हैं भाई, और फिर भी बहुत स्पेस है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमको बचाएगा ये जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से, क्योंकि इसमें जाली वगैरह भी, और हम ऊपर हैं, ऊपर मतलब ऊपर टेंट है तो ऊपर जानवर नहीं आते हैं यूजुअली। तो हाँ, मतलब थार के ऊपर टेंट है तो सही है, सेफ भी हमारे लिए। तो गाइस फाइनली थार हमारी कुछ ऐसे लग रही है, देखो ऊपर इसके पूरा टेंट है। अगर बारिश आएगी तो यहाँ पे मतलब वाटरप्रूफ है ये पूरा, तो यहाँ से मस्त पानी आएगा। और देखो इधर भी एक खिड़की है इसमें, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी जाली, यहाँ भी सब कुछ, मतलब पूरी प्रोटेक्शन है यहाँ पे। और ये पूरा वाटरप्रूफ है टेंट, और ये यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए। फिलहाल कुनाली बैठे हैं यहाँ पे, तो फिलहाल हमारी थार कुछ ऐसी लग रही है, देखो टेंट के साथ में कुकिंग यहाँ कर सकते हैं। बारिश बारिश से बचने के लिए, हाँ। भाई बारिश है, बारिश में कुकिंग यहाँ कर सकते हैं। इस जगह पे बैठ के दो चेयर लगा के यहाँ पर रख के, दो तीन चीजें और कराई है मैंने, वो दिखाता हूँ आपको। चलो तो अब आपको दिखाता हूँ कि अंदर से क्या कराया मैंने। तो अंदर से एक तो मैंने स्टोरेज बैग लगाया, तो ये स्टोरेज बैग इसमें काफ़ी सारा सामान रहेगा, छोटा मोटा जो कैंपिंग का सामान होता है ना। देखो यहाँ भी स्टोरेज है, यहाँ भी स्टोरेज है, यहाँ भी स्टोरेज है, और देखो सीट के पीछे यहाँ पे एक बैग है, एक बैग यहाँ पे है, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। ये देखो इसमें भी काफ़ी स्टोरेज है, वहाँ पे कप होल्डर है, चार्ज वार्ज कर सकते हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये सारा सामान लगवाया मैंने। देखो चलो गाइस बंद करते हैं और अब फिर चलते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पॉकेट भी है फोन वोन रखने के लिए, यहाँ फोन रख सकते हैं ना। ये देखो आरजीबी लाइट भी है इसमें पूरी, ये जलती है, ये देखो भाई जल गई लाइट। चलो इसको बंद करते हैं अब। हाँ ऐसे ही कर दे, बस बस ठीक है। तो गाइस टेंट को पैक कर दिया अच्छे से बॉक्स में, तो अभी हमने तो पूरी फैमिली वहाँ पे मस्त बत्तख के साथ में खेल रहे हैं। ये देखो भाई मम्मी ने बत्तख को पकड़ रखा है, डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा, जाओ जाओ। तो हमने इनको ब्रेड दिए हैं, देखो ब्रेड खा रहे हैं मस्त, और ये यहीं पर रहते हैं। देखो वहाँ पे पानी भी है ना, पॉन्ड है पानी का पूरा, तो यहीं पर रहते हैं इनका एरिया, ये एरिया पूरा इन्हीं का ही है, पूरा एरिया इन्हीं का ही है, यहीं पे घूमते रहते हैं। तो गाइस आज तो अंधेरा हो गया यहाँ पे, तो चलो चलते हैं घर। मैं तो जाऊँगा स्काईडेक कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है मुझे, तो चल रहे कुछ खाने चल रहे। तो स्काईडेक पहुँच गए, लुक किसकी बढ़िया है यार, वो तो होगी ऑब्वियस सी बात है। ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली है, ये नॉर्मल ऑफ रोडिंग वाली है। इसके टायर देखो यहाँ तक आ रहे हैं, इसके टायर तो दिख ही नहीं रहे। तो हमारे पास तीन गाड़ी हो चुकी है, कैरावैन, थार और मॉन्स्टर ट्रक। चलो फिलहाल ऊपर चलते हैं अब, और यहाँ पे कोई नहीं है देखो अभी तो फिलहाल, तो यहाँ से बाहर देखते हैं भाई। सबसे पहले हम पियेंगे सूप, वेजिटेबल सूप, इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं देखो। तो अब हम खाएंगे मशरूम, तो ये मशरूम और वेजिटेबल्स हैं, और लास्ट में हम खाएंगे बर्गर। तो चलो गाइस खाना पीना भी हो चुका है, अब चलते हैं सीधा घर। तो फाइनली एडिटिंग कंप्लीट हुई और रात के 12 बज के देखो। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। घर जाके खाएगा कितना खाएगा और कितना खाएगा घर, पैक भी कराता है, पैक भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ले चल भाई, ले चल, सॉरी 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 सॉरी।